क्या सी? आज हम दो भाई चैलेंज में हो, दोनों से बात आपस में मत करो बच्चों, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आज हम शेख रशीद साहब के बिना पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन ही जलसा ले रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला शेख रशीद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आपको भी शेख रशीद साहब की कमी महसूस हो रही होगी, और हम परिवार के लोगों को तो हर मिनट के ऊपर उनकी कमी महसूस हो रही है। अगर आज शेख रशीद साहब होते तो हमारी इस मंच के ऊपर बैठकर सरपरस्ती करते, तकरीर करते, और आप लोगों से वोट मांगते और हमारी क्यादत करते। मैं सबसे पहले मैं तमाम ही शेख रशीद साहब के चाहने वाले, शेख रशीद साहब के पुराने नए हमारी माँ और पहले गुरुवार वार्ड की जो शेख रशीद साहब को बहुत मोहब्बत किया आप लोगों ने, और पूरी शहर की आवाम से मैं यकीन करता हूं कि शेख रशीद साहब थे तो वो हमारी हमारे परिवार की सरपरस्ती किया करते थे, और आज शेख रशीद साहब नहीं है तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग मेरी और मेरे परिवार की सरपरस्ती करें और हमारा साथ देने का वादा करें। शेख रशीद साहब ने अपने 40 साल सियासी जिंदगी कई लोगों को कारपोरेटर बनाए, कई लोगों को आगे दिए, कई मजदूरों को बढ़ाने का काम किया, कई मां बहनों को बढ़ाने का काम किया, कई गरीबों के सर के ऊपर हाथ रखा, कई नौजवानों का मुस्तकबिल बनाने का काम किया, और ये शहर का विकास और दौलत करने का काम शेख रशीद साहब ने किया। विचार को आगे ले जाना है और कुछ एक ऐसी साथ के बिना हम लोगों का सफर तय करना। ये छह वासी का मेरा सफर तय नहीं कर सकता, मेरा परिवार ये सफर अकेला तय नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का इलेक्शन हम अकेले नहीं जीत सकते, असेंबली का इलेक्शन हम अकेले नहीं जीत सकते, हम कॉर्पोरेशन का इलेक्शन अकेले नहीं जीत सकते। लोगों का साथ जैसा शेख रशीद साहब के साथ रहा वैसे हमारे और हमारे परिवार के साथ रहा। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग शेख रशीद साहब कभी ना कभी आपके काम आए होंगे, और जरूर मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ होंगे। दोस्तों ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, आज हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। एक तरफ इंडिया लाइन्स और दूसरी तरफ एनडीए लाइन्स, एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया लाइन्स बना, गठबंधन बना, और एक तरफ नरेंद्र मोदी की क्यादत में एनडीए तैयार हुआ, एनडीए गठबंधन।
उसके बाद हमारा संविधान लिखा गया। संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के हर मजहब को रहने वाले हर धर्म के लोगों के लिए इंसाफ करने का काम किया, आजादी देने का काम किया। हर समाज हर धर्म इस मुल्क के अंदर अपने अपने मजहब से रह सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। यह हमारा संविधान की खूबसूरती है।
या टैक्स नहीं बनता है यार। अगर हुकूमतें चलती है चाहे वो ग्राम पंचायत हो, कॉर्पोरेशन हो, महाराष्ट्र की हुकूमत है, केंद्र की सरकार हो, तो देश के नागरिक देश की जनता के पैसे से चलती है। जो हम टैक्स अदा करते हैं उसमें मुसलमान भी शामिल है। आपने नासी बना दिया, आपने सीधे बना लगा दिया। अब हमको साबित करना पड़ेगा कि हम ये देश के रहवासी है या नहीं, इस देश के नागरिक है या नहीं। हमको सबूत देना पड़ेगा। इस देश के मुसलमानों ने यहां रहना पसंद किया, इस हिंदी से प्यार किया, इस देश से प्यार किया, इस देश के लिए कुर्बानियां दी। आप ऐसा मानना चाहते हो कि अब हमको साबित करना पड़ेगा क्या हम देश के रहवासी है या नहीं। आपको इसका जवाब 20 तारीख को मिलेगा। इस तारीख को जवाब देना पड़ेगा। हम सब लोगों को मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे दलित भाई आदिवासी भाई हम से केवल संविधान को मानते, इस देश के संविधान को मानते, हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा को मानने वाले ये शहर है। और हमको हमारे सुनने जाने ज्यादा क्या हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। सुबह का ही अच्छा हो सर। कांग्रेस का बंदे निशान है, मेरी पार्टी का उतारी निशान है। न तो आप उतारी ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगी वहां, क्योंकि उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी को यह सीट दी गई है, उनका निशान बन गया है। आपको बीजेपी पार्टी को उनको वोट देना। मैं भी उम्मीदवार था लेकिन हमारा पहला लक्ष्य, पहला मिशन भारतीय जनता पार्टी को सरकार से भेजा करना। हम वापस हो गए। मौलाना मैन साहब की भी बन जाएगी लेकिन ये तो मजहबी आदमी है। आपने आयन का ऐलान किया था कि मौलाना मैं नहीं हूं आपके साथ, मौलाना वापिस हो गए। हमने टाइम का पैटिंग कर दिया, मौलाना ने आशीर्वाद दिया। हमारा पहला मकसद, हमारा पहला मिशन भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकालकर खरीदना है। हम हमारी आपस की लड़ाई और सभी मौके से उम्मीदवार जब हूं, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। लेकिन आज मुझे थोड़ा सी बंधन है, नहीं तो समाचार तो बहुत अच्छे रह सकता। बंधन है इसके लिए मैं बैराज बोलना भी जरूरी है, क्योंकि वो छोड़ेंगे क्या अपने उनके जैसे में छोड़ेंगे तो अपने को भी छोड़ेगा। यह शहर के अंदर काम को लेकर मालेगांव शहर में नहीं था। आप सब ढूंढो, आवाम ढूंढे, मीडिया ढूंढे, काम कहां गया था, किससे बैठक चल रही थी, वो 100 किलोमीटर दूर गए थे। हमारे जिले के एक कॉर्नर में गए थे कि रियासत के एक कॉर्नर में आप ढूंढो, लेकिन बहरहाल देखो एक बात सुनो। मैंने पार्टी ऑफिस के जैसे के अंदर कहा था मीटिंग के अंदर कि कुछ तो खिचड़ी आप रही है वो हरे कलर की है या कौन सा कलर के मुझे। कभी कभी सियासत के अंदर और हमारे मुहाद के अंदर कौन के लिए, देश के लिए, सेकुलरिज्म के लिए सियासी वार करना पड़ता है तकलीफ के जरिए। सिर्फ मेरा एक जुमला कि खिचड़ी पक रही है,
छूने ही मुझे लटकी रह गई वो छूना ही किया पानी डाल दिया गया चेहरे घट्टे खुला और उसका पैर समझ में आ गया तो ये शहर कभी माफ नहीं करेगा कभी माफ नहीं करेगा
लेकिन छोड़ के मैदान कभी भाग के रहेंगे आपके साथ रहेंगे। ठीक है तुम्हारा जो लेना चाहिए सबका विचार है। मेरे परिवार ने पिछले हफ्ते एक बच्चे से मिनारा होने के बाद तुम टक्कर किसी की हो गई उसको फोन करके मिला जाना बेकार तुम अंदर मर गया बोले शेख खलील भी मर गया शेख खलील भी मर गया शेख नसीब भी मर गया बोले अब इनको फेर लो। शेर का सिंगार कभी कुत्ते में नहीं करते शेर का सिंगार कभी कुत्ते नहीं करते। और शेख अजीज साहब ने ऐसा पढ़ा के गए जब 25-30 लड़के हर साल एक भी शहीद हो तो 25 साल सियासत करें संविधान का कानून में मानने वाला ईमानदारी से मोहब्बत की सियासत कर रहे हमको करने दो कितनी भी तैयारी मारे लो हमारे मेरा भाई है मेरे सुना हुए एक तुमने मान लगी उसने तुम्हारी लिया दूसरे ने काम पर कर दिया बोले क्या मेरे एक बात अकेले बात कहा बोले तीन का काम सुपारी ले देना सुपारी ले देना पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा बोल रहे इंक्वायरी करो मैं पब्लिक लेता हूँ मास लीडर हूँ पब्लिक का लीडर हूँ पब्लिक के घर ढूंढता हूँ अगर मुझको या मेरे परिवार के लोगों को बाल बराबर भी अगर ध्यान आई तो याद रखना पुलिस डिपार्टमेंट मैं आपके ऊपर भी कानूनी चढ़ाई करूंगा ये बात को बोलूंगा। अरे हमने कुछ गलत किया कानून हाथ में लिया मैं करो ना कार्रवाई जेल बनाओ जेल में डालो बांध देता है बाकी के मंत्री जरूरी करे हम हमने उनके खिलाफ डाला तो लेकिन मैं आप उसको बाजू में बोल रहा था तुम गाड़ी में लेके चले जाओ तकरीर के बाद तुम्हें जगह नहीं है वक्त नहीं है पहला नंबर बीजेपी हमारा दुश्मन है उसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है सब हमारे भाई भाई है हम आज जगह देखो कितने लोगों को सुन लगी सोनिया जी ममता जी यशोरी जी जैन बाबी जी केजरीवाल जी उद्धव ठाकरे जी स्टालिन जी राव जी अखिलेश जी तेजस्वी जी कितने लोग